नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कनाडा के नाम से, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, किसी भी देश के नाम। विदेश जाने की सोचते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि भाई एजेंट कौन सा ढूंढे जो सही तरीके से हमारा काम करवा सके। अब भाई किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि वो सही है गलत है, किसी के पर्सनल अपन झांके भी नहीं दे सकते यार, इसके पास लाइसेंस है या फर्जी है, कब से काम कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। जी हाँ, अमृतसर का अमनदीप ने, एक अमन नाम का बंदा था, कनाडा जाने के लिए एक भारतीय चोपड़ा, जी हाँ एक एजेंट है, उनको बता दूं 9 लाख रुपए कनाडा के नाम से दिए थे, जिन्होंने यूरोपियन एजुकेशन हब के नाम से कोई ऑफिस अपनी ओपन कर रखी थी। जी हाँ, 9 लाख रुपए दे दिए। पैसे देने के बाद काफ़ी टाइम निकल गया, नहीं तो उसको बंदे को वीज़ा दिया, नहीं उसको पैसे वापस दिए, नहीं उसको विदेश भेजा। जी हाँ, लाखों रुपए की उसने ठगी कर ली। उसको पता लगा कि यार अपने साथ ठगी हुई है। पुलिस जांच ने, फिर जांच में पता लगा पुलिस को भी ये कि बिना लाइसेंस के ये काम कर रहा था, फर्जी तरीके से विदेश भेज रहा था। हालांकि अब पुलिस जांच करेगी कि ये अगर एक बंदे से 9 लाख ठगे तो ये तो नहीं है कि पहली शुरुआत है, ये आखिरी है, बीच में और भी बहुत सारे लोगों की इसने ठगा है। तो पुलिस जांच करेगी उसका रिमांड में लेके कि भाई कुटाई होगी तो अपने आप बता देगा कि मैंने इतने इतने लोगों से इतने पैसे लिए। तो भाई आप किसी भी देश से, किसी भी देश के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमेशा मैन पावर ऑफिस के द्वारा अप्लाई करें। हालांकि वो एक अलग बात है कि आप 500-700 खर्च नहीं करके 9-9 लाख, 10-10 लाख या फिर हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। अब जब बात आ जाती है ना कि अच्छा आपको एक ट्रीटमेंट मिल जाएगा, सही गाइडलाइन रास्ता दिख जाएगा, वहाँ पे आप 500-700 भी बड़ी रकम आप लोगों के लिए हो जाती है। इस बुक में पूरा मैन पावर ऑफिस से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है। अगर इस बुक को पढ़ के इनमें जो एड्रेस दिए गए उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, तो ये 9 लाख और ये मेडिकल के नाम से, ऑफर लेटर के नाम से, ये ठगने के जितने भी वीडियो है ना, ये आपको देखने को बहुत कम मिलते रहेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा, मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको ऐसे मजबूर कर दूंगा कि आप मैन पावर ऑफिस के द्वारा ये अप्लाई करें। जी हाँ, इतने ज़्यादा नेगेटिव वीडियो बनाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तो माइंड में डलती होगी ना बात कि यार ये सब लोगों के साथ ठगी हो रही है, मैन पावर ऑफिस के द्वारा अप्लाई करेंगे तो आपके साथ ऐसा बच सकते हो इन ठगी होने से। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।